दोस्तों, अमेजिंग ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी कि ताजमहल को किसने बेचा था और कितनी बार बेचा था। एक ऐसा इंसान जिसका नाम था नटवर लाल। सोचने वाली बात है, क्या आदमी होगा जिसने ताजमहल बेचा? क्या इंसान था वो? शाहजहां की अमानत को बिहार के सिवान के रहने वाले ठग नटवर लाल ने 3 बार बेचा था। ताजमहल के साथ साथ उसने लाल किले को 2 बार और तो और राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। नटवर लाल के नाम से मशहूर इस शख्स ने ताजमहल को बेचकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है नटवर लाल का असली नाम क्या था? नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। उसे ठगी के मास्टर के तौर पर जाना जाता था। ठगी के 100 से अधिक मामले उस पर दर्ज थे। जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो कोर्ट ने उसे अलग अलग मामलों में 100 साल से अधिक की सजा सुनाई थी। पुलिस को चकमा देने में इसे महारत हासिल था। 1996 में उसे आखिरी बार नई दिल्ली स्टेशन पर देखा गया था, लेकिन उस बार भी वो पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर भागने में कामयाब हो गया। नटवर लाल भेष बदलकर लोगों से ठगी करता था। उसे भारत के सबसे बड़े ठग का ताज हासिल है। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल को पूरी दुनिया से भी प्यार है। इसे बेचने की हिम्मत उस नटवर लाल में थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।